हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो है आपका जो ये चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो एक करंट कैरिंग वायर होती है, यानी एक ऐसी तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, उनका आकार कैसा होता है। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी एक सीधे कंडक्टर यानी चालक के माध्यम से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जब हम क्या करते हैं, एक सीधा कंडक्टर यानी चालक लेते हैं, उसे जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जो आपका रियोस्टेट होता है उससे जोड़ते हैं, अमीटर से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं और फिर इसे की कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम की को ऑन करते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, इस सर्किट से धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, जो आपका सीधा कंडक्टर होता है यानी स्ट्रेट कंडक्टर होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। आपको कैसे पता चलता है? आप क्या करते हैं, इस तार के बीच में क्या करते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं और वहां पर एक कंपास को यानी जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसे लेके आते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोहे का बुरादा डालते हैं यानी इस बोर्ड के ऊपर, और फिर आप ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये लोहे का बुरादा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इसके चारों तरफ दिखाई देता है, यानी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो बुरादा है उसके बीच में आपको गोल गोल लाइनें दिखाई, ठीक है, गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देते हैं, जो कि एक सीधे कंडक्टर यानी चालक के माध्यम से जब धारा प्रवाहित होती है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ, इस जो ये चालक है इसके चारों तरफ किस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है वो हमें बताती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिगर में, फिगर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोहे का बुरादा है वो गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आपको दिखाई दे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा कि जब हम क्या करते हैं, रियोस्टेट के माध्यम से करंट का जो प्रवाह है उसे बढ़ाते हैं, तो हमें जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है जो हम इस तार के पास रखेंगे, तो हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई देता है। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि अगर हम जो करंट का प्रवाह है उसे कम कर दे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं कि जैसे हम प्रवाह बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया है। इसका अर्थ ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अत्यधिक हो गई है, यानी उनकी जो, जैसे आपकी जो फील्ड लाइन्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है, जिसके कारण इसका प्रभाव आपको ज्यादा दिख रहा है और आपके जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसमें आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपण दिखाई देता है। इफ द करंट इज इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज, यदि विद्युत धारा बढ़ा दी जाए तो विक्षेपण भी बढ़ जाता है। इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं कि धारा का प्रवाह बढ़ाते हैं, करंट का फ्लो बढ़ा देते हैं, इसके कारण इस जो ये तार है इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो परिमाण है वो भी बढ़ जाता है। यह इंगित करता है कि तार के माध्यम से विद्युत धारा बढ़ने पर किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाता।
अब क्या होता है, अब ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे हम जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसे जो हमने तार ली है, जो कंडक्टर है, उससे अगर हम दूर लेके जाते हैं, तो हमारा जो कंपास है, जो हमारा चुंबकीय कंपास है, उसमें हमें डिफ्लेक्शन कम दिखाई देता है। यानी जो चुंबकीय कंपास की सुई है, वो उसका जो विक्षेपण है वो कम हो जाए। ठीक है। इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम, सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेस। यदि कंपास को तांबे की तार से दूर ले लिया जाता है, लेकिन तार के माध्यम से विद्युत धारा बनी रहती है, तो देखें कि सुई में विक्षेपण कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप जो जो कंपास है उसे तार से दूर रखते हैं, तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन आपको आपका कम होता जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम तार से दूर जा रहे हैं, तो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, वो कम होता जाता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जब हम धारा को बढ़ा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती है, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा है वो बढ़ जाती है, जिस कारण जो मैग्नीट्यूड है चुंबकीय क्षेत्र का, उसका परिमाण जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम कंपास को जो है तार से दूर ले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम इसे दूर ले जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें आपको विक्षेपण कम दिखाई देता है। दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज। अब क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम जो है कंडक्टर से दूर जाते हैं, या उससे हम अपनी दूरी को बढ़ाते जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है। ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो दूरी के बढ़ने से कम हो जाता है। इट कैन बी नोटिस दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप ये भी देख पाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सीधा जो कंडक्टर है, चालक है, उसपे एक बोर्ड लगा के रखते हैं, जिसके ऊपर हम क्या डालते हैं, लोहे का बुरादा यानी आयरन फिल्म। अब क्या होता है, वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे आपके पास संकेंद्रित वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो ये भी देखा गया कि जैसे जैसे जो है जो कंडक्टर है, चालक है, जो तार है, तार से दूरी बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे जो सर्कल है, जो वृत्त है, ठीक है, संकेंद्रित वृत्त है, वो भी बढ़ते जाते हैं, यानी उनका आकार भी बढ़ता जाता है। यहाँ देखा जा सकता है कि विद्युत धारा प्रवाहित सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेंद्रित वृत्त, जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, बड़े होते जाते। तो इस एक्सपेरिमेंट से, या इस जो आपका एक्टिविटी है, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी ऐसा चालक जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम बात करें एक स्ट्रेट कंडक्टर की, एक सीधे कंडक्टर की, चालक की, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है। जैसे जैसे हम धारा का प्रवाह बढ़ाते हैं, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है। अगर आप कम करते हैं तो वो कम होती जाती है। ये भी देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है, वो दूरी के साथ कम होती जा, और जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो संकेंद्रित वृत्त हैं, उनका आकार भी दूरी के साथ बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये हम समझ लेते हैं।
आप क्या करेंगे, अपना दाहिना हाथ जो है आगे स्ट्रेच करते हैं और अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार आपको आपका जो अंगूठा है वो बाहर की तरफ, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, और जो फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, वो आपको इस तरीके से, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको इस तरीके से घुमा। अब इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप इसके माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी तार से करंट बह रही है, करंट प्रवाहित हो रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या हो, ठीक है। या फिर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है तो करंट की दिशा क्या होगी, ये आप इसके माध्यम से जान सकते। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मैंने बताया अपना दाहिना हाथ लेना है, अपना राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, तार को पकड़ना है, आपके पास एक सीधा तार होना चाहिए, उसी में आप निकालेंगे, तो आपको एक सीधा तार लेना है, उसे इस तरीके से पकड़ना है कि जो आपका जो अंगूठा है, जो कि बाहर की तरफ आपने ऐसे जो है निकाला हुआ है, जो अंगूठा है वो धारा की तरफ जो है पॉइंट करे, उसकी तरफ इंगित करे, और जो फिंगर्स हैं वो उस तार के चारों तरफ इस तरीके से लिपट जाए। अब यहाँ पे जो अंगूठा है वो किसको दर्शा रहा है, वो करंट की यानी धारा की दिशा को दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं धारा की दिशा को दर्शा रहा है। और जो आपकी फिंगर है यानी आपकी जो उंगलियां हैं वो किसे दर्शा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि अगर धारा का प्रवाह ऊपर की तरफ होता है तो जो आपकी उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती हैं, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो कैसी है, एंटी क्लॉक। वही अगर हम बात करें कि जो धारा है वो नीचे की तरफ जा रही है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस दिशा में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसी के अनुसार आप क्या करेंगे, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है जो सीधा है, उसमें उसके चारों तरफ आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, यानी एक वृत्ताकार लूप के माध्यम से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी अभी तो हमने बात करी कि एक सीधे तार की, कि एक सीधा जो तार होता है उसके चारों तरफ जो है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, उसकी जो फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा क्या हो, का आकार क्या हो। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एक लूप है, ठीक है, एक लूप है, एक वृत्ताकार लूप है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार किस तरीके से हो, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो। अब जैसे कि आप जानते हैं, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा के ऊपर उसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो है निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की, यानी एक सीधा चालक जिससे धारा प्रवाहित होती, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हम करंट का फ्लो चेंज कर देते हैं, यानी जो करंट है उसका प्रवाह बदल देते हैं, तो क्या होता है, आपको डिफ्लेक्शन अलग अलग दिशा में दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर उत्पन्न हुआ है वो करंट के प्रवाह की दिशा के साथ बदल जाता है, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, करंट की दिशा के ऊपर। इसके साथ साथ हमने अगली एक्टिविटी में ये भी देखा कि अगर हम करंट की जो मात्रा है वो बढ़ा देते हैं, धारा की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो धारा की मात्रा बढ़ाने के कारण क्या होता है, जो हमारे पास कंडक्टर है, जो चालक है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। यानी हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो करंट के ऊपर निर्भर कर, उसकी
फ्लो होने की, उसके प्रवाहित होने की दिशा के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. यानी हम जानते हैं कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सीधे उससे गुजरने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी कंडक्टर हो, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, ठीक है, उस कंडक्टर से जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो उससे करंट फ्लो हो रही है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के आकार क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, वो इसी के ऊपर निर्भर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक लूप है, सर्कुलर लूप यानी वृत्ताकार लूप। इससे क्या किया गया, करंट को फ्लो कराया। इसका जो एक सिरा है, ये वाला सिरा, इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यानी बैटरी का जो पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल है उससे जोड़ा गया, और दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल से जोड़ा। अब इससे धारा प्रवाहित हुई, करंट फ्लो हुआ। करंट के फ्लो होने के कारण, धारा के प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर हम इसके दो जो साइड है यानी इन दोनों साइडों को देखें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, आप जो है दाएं हाथ के नियम का भी उपयोग कर सकते हैं। वो कैसा हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, आप अपना अंगूठा रखेंगे, ठीक है, तो करंट आपका इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इसमें फ्लो कर रहा है यानी प्रवाहित हो। इसी तरीके से जो ये दूसरा सिरा है, यहाँ पे भी आप दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, जो है जो आपके फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन को हम देख सकते हैं। तो हम क्या देख पाते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, करंट का जो प्रवाह है उसका प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रहा है, यानी ए से बी की ओर हो रहा है। तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक लूप के लिए आपका जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में दोनों साइड में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, और वो इस तरीके से हुआ उत्पन्न, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है, इस सर्कुलर फॉर्म। और जो बीच से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हम एक कुंडली की बात कर रहे हैं, एक लूप की बात कर रहे हैं, अगर हम n लूप लेते हैं तो n लूप या n कुंडलियों के कारण क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाए। कितना बढ़ जाएगी, n टाइम्स, यानी n गुना, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लूप की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हर एक लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न होगी, और इसके कारण क्या होगा, अगर हम n लूप ले लेते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो n गुना हो जाए। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, दैट फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम्स एज लार्ज एज द प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्न। इसलिए यदि कोई गोलाकार कुंडली है जिसमें n मोड़ है, तो उत्पन्न क्षेत्र एक मोड़ से उत्पन्न क्षेत्र से n गुना बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें कि अगर जो आपके सारे के सारे जो कुंडली है यानी जो सारे के सारे लूप है, अगर इन सारे लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी अगर दिशा एक है यानी उसकी दिशा सेम है, तो क्या होता है, सारी की सारी जो फील्ड है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी फील्ड स्ट्रेंथ या चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर n टर्न्स है तो n गुना, दो टर्न है तो दो गुना, यानी दो आपके पास वो है कुंडलियां हैं, दो गुना। आपकी जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम होगी तो क्या होगा, फील्ड ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। The current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just add up. प्रत्येक वृत्ताकार मोड़ में धारा की दिशा एक ही होती है
और प्रत्येक मोड़ के कारण उत्पन्न क्षेत्र बस जुड़ जाता। अब हम बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारे लूप एक साथ, ठीक है, यानी हमारे पास ऐसी कॉइल है जिसमें बहुत सारे क्या है, लूप। तो अब आप क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे, ठीक है, जिसमें काफी सारे एन नंबर ऑफ लूप्स है, यानी एन जो है कुंडलियां है। अब आपको क्या करना है, इसको किसी बोर्ड के ऊपर इस तरीके से लगा देना, आप देख सकते हैं, यानी एक जो बोर्ड लेना है उसे आपको इसके अंदर इस तरीके से रख देना। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास लूप है, जो यहाँ पे आपके पास कुंडली है, इसको आप क्या करेंगे, तार से जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे स्विच लगा देंगे, और जो इस लूप का दूसरा सिरा है उसको आप बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है, बैटरी से जोड़ेंगे, और इन बैटरी और जो स्विच है उसे आपस में जोड़ देंगे, यानी आपका जो परिपथ है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे कि आप फिगर में देख सकते। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन होगा क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, ठीक है, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। परिपथ पूर्ण हो जाएगा का अर्थ है कि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, धारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होगी, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, कॉइल के अंदर से फ्लो होगा और वो आपके बैटरी में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बन जाएगा आपका ये जो है, जो आपका ऑपरेटर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है लोहे का बुरादा लेंगे और इस बोर्ड में रख देंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको जो बुरादा है, यहाँ पे आपकी तार है, यहाँ पे तार है, तो आप देख पाएंगे कि जो बुरादा है वो आपको कुछ इस तरीके से शेप में दिखाई देगा, यानी जहाँ पे तारे हैं या जो कुंडली जो है इसकी तारे हैं, वहां पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आपको दिखाई देगा कुछ हिस्से, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, इसके चारों तरफ आपको जो बुरादा है वो गोल गोल सर्कल की फॉर्म में दिखाई, ठीक है, कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने कॉइल ली, ठीक है, हमने हमने जो है लूप लिया, एक बहुत सारे लूप लिए, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी हमारा आकार कैसा आ रहा है, हमारा जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो आकार है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने सिंगल लूप में देखा, लेकिन बस क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलोनॉइड, तो बेसिकली सोलोनॉइड क्या होता है, यहाँ पे जो लूप थे वो बहुत सारे थे, लेकिन ये किस फॉर्म में थे, सर्कल की फॉर्म में, वृत्त की फॉर्म में, ठीक है, वृत्त के आकार में, ठीक है, वृत्ताकार लूप थे। अब हम बात कर रहे हैं सोलोनाइट की, तो सोलोनाइट में भी लूप होते हैं, बहुत सारे एन लूप हो सकते हैं आपके, मतलब कितने भी, चार पांच है, लेकिन जो ये टर्न्स होते हैं, ये जो लूप होते हैं, जो टर्न्स होते हैं, ये सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं, बेलनाकार हो जाते, कैसे हो जाते हैं, सिलेंडर के आकार का बेलनाकार हो जाते, ठीक है, यानी जो यहाँ पे लूप है, ठीक है, जो यहाँ पे लूप है वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो बेलन आकार बना, सिलेंडर बना, ठीक है। तो सिलेंडर, सॉरी, जो आपका सोलोनाइड है वो क्या होता है, सोलोनाइड क्या है, सोलोनाइड में बहुत सारी तारे होती हैं जिनमें सर्कुलर टर्न होता है, वृत्ताकार घुमाव होते हैं, और ये किसकी फॉर्म में होती है, सिलेंडर की फॉर्म में आपस में जो है होती है, ठीक है, आपस में जो है कनेक्टेड होती है, आपस में अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलोनॉइड, यानी इंसुलेटेड तांबे की तार से लिपटी हुई गोलाकार घुमावों को की एक कुंडली एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से घूमने को सोलोनॉइड कहा जाता है। यानी सोलोनॉइड क्या है, बेसिकली सोलोनॉइड जो है, जो इंसुलेटेड तार होती है, यानी ऐसी तार जिसके बाहर इंसुलेशन हो रखा है, कोई प्लास्टिक लगा है, वो जब इस तरीके से गोल गोल घूम के एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है, ठीक है, एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है, तो वो क्या बनाती है, सोलोनॉइड बना, ठीक है, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये आपका सोलोनॉइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो सोलोनॉइड है उसे बैटरी और स्विच से जोड़ा गया है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है,
करंट के फ्लो के कारण क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। अब जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम ये देख पाते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की तरह। जैसे कि हमने छड़ चुंबक में बात की थी, छड़ चुंबक में हमने क्या देखा था, छड़ चुंबक में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेट के बाहर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती है, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही देखा गया। जब हम सोलेनोइड को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, स्विच से जोड़ते हैं, फिर स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होता है वो बिल्कुल जो है बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक के जैसा होता है। इसका अर्थ ये है कि जो आपका सोलेनोइड है उसका एक सिरा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, यानी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, वही इसका जो दूसरा सिरा है वो किसकी तरह बिहेव करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह। यानी जिस प्रकार से बार मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यहाँ पर भी जहां से क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है, यानी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। वही वह सिरा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इस सोलेनोइड के अंदर आती है या प्रवेश करती है वो जो है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यानी जो आपका सोलेनोइड है, ये जो सोलेनोइड होता है ये एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह इसमें इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बनती हैं, और क्या होता है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्रिएट करता है। नॉर्थ पोल कहाँ पे बनता है, जहां से रेखाएं निकल रही हैं और जहां पे प्रवेश कर रही हैं वो साउथ पोल बन जाता है। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर बिहेव एज साउथ। यानी जो सोलेनोइड होता है उसका एक सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है, जबकि उसका दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। अब अगर हम सोलेनोइड की बात करें, सोलेनोइड की जो भीतर की जगह है उसकी अगर हम बात करें, तो हम ये देख पाते हैं जिस कि क्या होता है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि जो छड़ चुंबक होता है वहां पे जो जो क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो चुंबक के भीतर कैसी होती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दक्षिणी से उत्तर की तरफ ध्रुव की तरफ जाती है, साथ ही साथ वो मैग्नेट की तरह ही, बार मैग्नेट की तरह ही आपस में कैसी होती है, पैरेलल, समानांतर। यानी अगर हम बात करें सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड के केस में क्या होता है, सोलेनोइड के केस में जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर होती है, सोलेनोइड के भीतर होती है, यानी जो आपकी कुंडलियां हैं उनके जो भीतर होती हैं वो आपस में समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर यानी पैरेलल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोलेनोइड का जो लूप है उनके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी है, समानांतर है, पैरेलल है। द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनोइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि जो सोलेनोइड है उसके भीतर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी हैं, वो इस तरीके से समानांतर होती है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम बात करें सोलेनोइड के भीतर, ठीक है, सोलेनोइड के भीतर की जब हम बात करते हैं तो सोलेनोइड के भीतर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समानांतर है, समानांतर है, ये पैरेलल है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सोलेनोइड के भीतर आप किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम क्यों है, क्योंकि ये आपस में कैसी है, समानांतर है। ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो
सोलोनॉइड के भीतर बराबर हर एक बिंदु पर, चाहे कोई सा भी बिंदु। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलोनॉइड, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलोनॉइड। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका सोलोनॉइड होता है उसके भीतर हर एक बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो समान होता है, यानी एक जैसा होता है। यानी परिनालिका के अंदर क्या होता है, क्षेत्र समान, यहाँ इंगित करता है कि चुंबकीय क्षेत्र सोलोनॉइड के अंदर सभी बिंदुओं पर समान है, अर्थात परिनालिका के अंदर क्षेत्र एक समान। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ये जानते हैं, अभी तक हमने ये भी देखा कि जैसे आप करंट के फ्लो को बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सोलोनॉइड होता है, सोलोनॉइड के भीतर आप सॉफ्ट आयरन कोर लगा के सोलोनॉइड की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, हमने जो सोलोनॉइड था उसके भीतर एक कोर लगा दी, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, जो कि स्टील की है, और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको, इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ठीक है, इससे क्या बनता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो है ये देखा कि किस प्रकार से जो सोलोनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह, यानी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप की होती है, किस तरीके से होती है, ये भी हमने देखा। साथ ही साथ सोलोनॉइड के भीतर जो फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से होती है, उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, एक समान होती है, ये भी हमने जाना। इसके साथ साथ हमने एक सिंगल लूप, यानी अगर आप एक जो है एक लूप लेते हैं, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है या उत्पन्न होती है वो किस तरीके से होती है, ये भी हमने देखा। आप मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, करंट के माध्यम से, उसकी दिशा कैसे बदल सकते हैं, ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, इन सबको रिवाइज करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट उठता है, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।